शहीदी दिवस के मौके पर शिमला में युवा कांग्रेस ने बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इससे पहले युवा कांग्रेस ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के शहीदी दिवस के अवसर पर यूथ कांग्रेस ने देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजधानी शिमला में शहीदी दिवस के मौके पर यूथ कांग्रेस ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि शहीद भगत सिंह की शहादत को सभी को याद रखना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने यूथ कांग्रेस की आयोजित बैठक को लेकर कहा कि यूथ कांग्रेस आगामी नगर निगम व विधानसभा चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसको लेकर बैठक में रणनीति तैयार की गई है। जी, आज 23 मार्च है, भगत सिंह जी की शहीदी दिवस है। इस सिलसिले में यूथ कांग्रेस देश भर में अनेक कार्यक्रम कर रही है। शिमला में हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, इसीलिए हम सब ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि जिनको ब्लड की ज़रूरत है शहीद भगत सिंह जी के नाम पर उनको सहायता मिले। कांग्रेस की बैठक चल रही है, हमारी रेगुलर बैठक होती रहती है। ये जो बैठक है ये आने वाले चुनाव के बारे में है, शिमला कॉरपोरेशन का भी और विधानसभा का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला। की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आपके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है, और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पे पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी को क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएँ, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू कर